नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर मेन एग्जामिनेशन 2023, जिसमें साथियों हम अपने YouTube के माध्यम से आप तक बीएड फर्स्ट ईयर के मेन मेन क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसका साथियों पेपर कोड है आज हमारा E101। इसका साथियों एक वीडियो हमने पहले बना दी है, इसकी एक वीडियो हमने पहले बना दी है, यदि आपने साथियों अब तक वो नहीं देखी है तो आप उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि साथियों हम क्रमवाइज आपको तैयार कराते चलेंगे। आज हम साथियों इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें केवल एक क्वेश्चन कराया था, और साथियों इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों इसकी जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम 2023, पेपर कोड E101, जिसका साथियों जो बुक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें साथियों हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम के लिए, कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये साथियों आपका बुक का नाम है और पेपर कोड आपका E101। E101 से E104 तक हम साथियों आपको चारों मॉडल पेपर अपने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद साथियों जैसे हम पे कमेंट आएंगी, हम उसी के माध्यम से आर्ट साइड के, साइंस साइड के और साथियों अन्य वर्ग के मॉडल पेपर अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और साथियों आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने एक क्वेश्चन करा दिया है, आप उसको देखें, उसके बाद साथियों इन दो क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि साथियों हम क्रम वाइज आपको तैयारी कराते चलेंगे। इसमें साथियों आपको विस्तृत क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके बाद हम साथियों आपको लघु फिर अति लघु कराएंगे। सबसे पहले हम हर एक यूनिट का, ये साथियों आपको पहली यूनिट है, हम पहली यूनिट के अभी हम विस्तृत क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके बाद हम लघु क्वेश्चन कराएंगे फिर अति लघु क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें देखते हैं साथियों ये हमारी दूसरी वीडियो है, ये हमारे साथ दूसरी वीडियो है, इसमें साथियों हम आपको दो क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रश्न नंबर दो, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की विस्तृत विवेचना कीजिए, या वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों को लिखिए। या तो साथियों ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए, आपको उत्तर ये वाला ही करना है जिसे हम कराने वाले हैं। तो साथियों उत्तर की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था, क्या वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। तो साथियों इसका हम उत्तर देखते हैं, ये साथियों आपका 2010 और 2011 में पूछा गया था। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था को समझने के लिए उसके निम्नलिखित उद्देश्यों एवं आदर्शों पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो साथियों इसके पॉइंट वाइज हम देखते हैं। पहला, शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अथवा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र श्रवण के पश्चात चिंतन तथा मनन करते थे, अतः मौखिक पद्धति का प्रचलन अधिक था। वैसे कभी कभी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य देना आदि विशेष बातों पर भी बल दिया जाता था। दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं साथियों। दूसरा पॉइंट, शिक्षण संस्थान। वैदिक काल में शिक्षण का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद आदि द्वारा संपन्न कराया जाता था। गुरुकुलों में ही अन्य संस्थाओं की अपेक्षा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, अतः वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली अधिक प्रचलित थी। गुरुकुल नगरों के कोलाहल से दूर स्थापित किए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरुकुल की व्यवस्था गुरु छात्रों की सहायता से संपन्न करता था। इस प्रकार की शिक्षा का रूप हमें गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं साथियों। तीसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम। तत्कालीन पाठ्य विषयों में दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान, कल्प व छंद आदि को उच्च स्थान दिया जाता था।
पर आध्यात्मिक व अपरालौकिक या समाज दोनों प्रकार की विधाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता था। नृत्य कला संगीत व अभिनय आदि ललित कलाओं को स्थान दिया जाता था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान था। चौथा पॉइंट परीक्षा प्रणाली। तत्कालीन परीक्षा प्रणाली आज की भांति न थी, परीक्षा प्रतिदिन ली जाती थी और दूसरे पाठ पढ़ाने से पूर्व मौखिक परीक्षा ली जाती थी। मूल्यांकन गुरु द्वारा छात्र के दैनिक कार्य के आधार पर किया जाता था। अनुशासन पांचवा पॉइंट अनुशासन। छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड आत्मा सुधार या अंतःकरण की शुद्धता के लिए माना जाता था, इसलिए स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। छठा पॉइंट स्त्री शिक्षा। छठा पॉइंट है साथियों स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अपाला रोमसा श्रद्धा ईड़ा सरस्वती इंद्राणी आदि अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त नारियों के नाम तत्कालीन ग्रंथों में मिलते हैं। सातवां गुरु शिष्य संबंध। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में माना जाता था। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, दैनिक कार्य करना, भिक्षा मांगना, व्यवस्था संबंधित कार्यों में गुरु की सहायता करना आदि छात्रों के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। आगे देखते हैं साथियों, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार छात्र तथा अध्यापक के मध्य संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं अपितु सीधे उन्हीं के बीच था। गुरु का प्रमुख कर्तव्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था। वे शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे तथा विद्या देकर छात्रों के नैतिक शारीरिक बौद्धिक व सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करते थे। अध्यापन के साथ साथ वे छात्रों के वस्त्र भोजन तथा चिकित्सा आदि का भी प्रबंध करते थे। प्राथमिक शिक्षा। डॉक्टर ए एस अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में संभवतः 400 ईसा पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक बालक का परिवार ही प्राथमिक शिक्षण का केंद्र होता था। उसके पश्चात कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। पहला पॉइंट शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में साथियों ये पहला पॉइंट है। सामान्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था, अतः उन्होंने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न देकर इसकी उपेक्षा की है। संतोष कुमार दास ने ठीक ही लिखा है, ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थी। दूसरा पॉइंट साथियों प्रवेश। डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था तथा यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था। इसका अभिप्राय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्रोत उपलब्ध नहीं है, परंतु डॉक्टर ए एस अल्तेकर का मत है कि इसकी अवधि 6 वर्ष थी। तीसरा पॉइंट पाठ्यक्रम। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और उन्हें बोलना सिखाया जाता था, अतः वैदिक मंत्रों का स्मरण पढ़ना और लिखना भाषा साहित्य एवं व्याकरण आदि तत्कालीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। अगली हेडिंग उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में साथ ही पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम में परा आध्यात्मिक विद्या और अपरालौकिक विद्या दोनों ही को स्थान दिया गया था, पर विद्या के अंतर्गत वेद वेदांग प्राण दर्शन उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास तर्कशास्त्र भू गर्भशास्त्र भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय थे। दूसरा पॉइंट प्रवेश। उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों को दी जाती थी। छात्र सामान्य रूप से क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में
शिक्षण संस्था में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। अगला पॉइंट तीसरा, शिक्षण विधि। छात्र पाठ्य विषय का मनन, चिंतन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति करते थे। मुक्त प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और आदि शिक्षण विधियां थी। आगे देखते हैं साथियों चौथा पॉइंट। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर करके जाएं, ताकि साथियों इसकी हम नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करें आपको उसकी सूचना पहुंच जाए। चौथा पॉइंट साथियों, परीक्षाएं। छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा नहीं होती थी। पांचवा पॉइंट साथियों, शिक्षण संस्थाएं। वैदिक काल में मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी, कौन कौन सी थी? टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, ब्राह्मणीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय। इनका विवरण निम्नवत है, जो साथियों उनको देखते हैं। पहला, टोल। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, एक टोल में एक शिक्षक होता था। दूसरा, चरण। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, एक चरण में एक शिक्षक होता था। अगला, घटिका। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी, एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। अगला, गुरुकुल। गुरुकुल में वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी, एक गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। अगला, परिषद। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। अगला, विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। अगला, विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी, जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की और सूत्र विद्यालय में यज्ञ, हवन आदि का एक विशिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था। नेक्स्ट, मंदिर महाविद्यालय। क्या मंदिर महाविद्यालय? किसी मंदिर से संबंध मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेदों, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी, एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। अगला, ब्राह्मणीय महाविद्यालय। इस महाविद्यालय को चतुष्पदी कहा जाता था, क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों की अर्थात चार विषयों की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होता था। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। अगला पॉइंट, विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालांतर में विश्वविद्यालयों का रूप ग्रहण किया। इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। बनारस, नालंदा तथा तक्षशिला के विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ये साथियों हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया, साथियों दूसरा क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों इसकी हम नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। और साथियों मैं आपको बता दूं, आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि साथियों हेडिंग के हमारे काफ़ी नंबर अच्छे आ जाते हैं। जैसे हम हेडिंग डालकर उसका उत्तर देते हैं तो साथियों हमारे जो नंबर होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो चलिए साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोषों की विवेचना कीजिए। भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहां तक हुआ है? ये साथियों आपको 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। भारत में वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोषों की विवेचना कीजिए। जो साथियों मुख्य दोष हैं उनकी विवेचना करनी है, और भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहां तक हुआ है? तो साथियों इसका उत्तर देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के दोष, डिमेरिट्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष निम्नवत हैं, तो उनको देखते हैं साथियों। पहला, धर्म को अत्यधिक महत्व।
वैदिक शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था धार्मिक विचारों से प्रभावित होती थी। शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों के रूप में किया जाता था। तो साथियों, इसकी साथियों हम PDF अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड करते रहेंगे। तो साथियों, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें ताकि साथियों आपको साथ के साथ PDF भी प्राप्त होती रहे। छात्र प्राय धार्मिक ग्रंथों तथा कर्मकांडों का अध्ययन करते थे। धर्म पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था ने शैक्षिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यही कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत पीछे रह गया। यूं तो आज हम आध्यात्मिक विकास के स्थान पर भौतिक विकास हेतु अधिक प्रयत्नशील हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर समान बल दिया जाए। दूसरा पॉइंट, स्त्री शिक्षा का अभाव। यूं तो वैदिक काल के प्रारंभ में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। ऋषियों के गुरुकुल में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बाद में ऐसा लगने लगा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है। आज संसार के प्राय सभी देशों में स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। लोकतंत्रीय देशों में तो उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा पॉइंट, शूद्रों की शिक्षा का अभाव। क्या शूद्रों की शिक्षा का अभाव? वैदिक काल में शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्यों को ही था। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। शिक्षा प्राप्त न होने के फलस्वरूप शूद्रों की शिक्षा इस काल में पूर्ण रूपेण उपेक्षित रही, जो उनके प्रति घोर अन्याय का परिचायक था। चौथा पॉइंट, शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह व्यक्तित्व नियंत्रण में थी। उस पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणाम, शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका। जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित नहीं हो सका और स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। आज की परिस्थितियों में तो किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। हमारे देश भारत में भी आज सबके लिए शिक्षा के समान अवसर का नारा बुलंद है। पांचवा पॉइंट, जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था चुने हुए वर्ग के लिए थी। इस काल में जन सामान्य की शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा हुई। संस्कृत पर ध्यान केंद्रित करने के कारण संभवतः जन सामान्य अपना शैक्षिक विकास करने में असमर्थ रहे। छठा पॉइंट, सांसारिक जीवन की उपेक्षा। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था, जिसके फलस्वरूप जीवन के व्यवहारिक कर्तव्यों के लिए व्यक्ति को तैयार करने पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के फलस्वरूप व्यक्ति सांसारिक जीवन को एक बोझ मानने लगे। इस प्रवृत्ति के कारण वैदिक युग में लौकिक प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। सातवां पॉइंट, लोक भाषाओं की उपेक्षा। वैदिक काल में केवल संस्कृत में अध्ययन और अध्यापन का प्रचलन था। लोक भाषाओं का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं था। इसके फलस्वरूप लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा वे प्रगति न कर सके। आठवां पॉइंट, रटने पर अधिक बल। वैदिक काल में मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, अतः समस्त ज्ञान स्मरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। गुरुकुलों में भी शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ कराना पड़ता था। क्या सभी जो भी पढ़ाते थे साथियों, वो तुरंत याद करना होता था, यानी कंठस्थ करना पड़ता था। उस काल में उसी व्यक्ति
को योग्य माना जाता था, जिसे धर्म दर्शन नीति शास्त्र और अन्य अनुशासनों एवं क्रियाओं संबंधित श्लोक कंठस्थ होते थे। लेकिन आज भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हो चुका है कि न तो उसे सूत्र रूप में संजोया पिरोया जा सकता है और न उसे रटकर कंठस्थ किया जा सकता है। आज तो स्मरण की अपेक्षा समझने पर अधिक बल दिया जाता है। नवा पॉइंट, शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि, यानी वैदिक शिक्षा में शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि परिलक्षित होती है। यद्यपि गुरुकुलों में छात्र अपने कार्य स्वयं करते थे, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उनका शारीरिक श्रम के कार्यों से कोई संपर्क नहीं रहता था। वस्तुतः उच्च वर्ग के छात्रों तक शिक्षा के सीमित रहने के कारण शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि का भाव रहता था। सदी छात्रों, दसवां पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट दसवां, आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। क्या? आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति कोई निश्चित आर्थिक अनुदान नहीं मिलता था। ये राजा महाराजा और धनी लोगों की कृपा पर निर्भर करते थे। उस काल में सभी गुरुकुलों के छात्र भिक्षा मांगने जाते थे। यह उस समय के गुरुकुलों की आय का मुख्य स्रोत था। कुछ विद्वानों का मत है कि भिक्षाटन से दो लाभ होते थे, एक तो गुरुकुलों की व्यवस्था चलती थी और दूसरे छात्रों में विनम्रता आती थी। परंतु आज की स्थिति में न तो भिक्षाटन से विद्यालयों की व्यवस्था की जा सकती है और न ही छात्रों में विनम्रता विकसित की जा सकती। इससे तो छात्रों में हीन भावना का विकास होगा। यही कारण है कि आज शिक्षा की व्यवस्था के लिए वित्त व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व समझा जाता है। किसको? राज्य का उत्तरदायित्व समझा जाता है। ग्यारहवां पॉइंट, नवीन धर्मों के प्रति हे दृष्टि। ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा व्यवसाय पर अधिपत्य कर लेने के उपरांत उन्होंने धर्म का सहारा लिया तथा शिक्षा को जटिल बना दिया। वैदिक धर्म के प्रति जन सामान्य की अरुचि के फलस्वरूप बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक शिक्षा में संलग्न ब्राह्मणों ने इन धर्मों का कसकर विरोध किया, परंतु जटिल कर्मकांड व संस्कृत भाषा पर आधारित वैदिक शिक्षा जन सामान्य के लिए महत्वपूर्ण हो गई तथा वे नवीन धर्मों तथा उनसे जुड़ी शिक्षा प्रणाली की ओर आकर्षित होने लगे। वार्मा पॉइंट, विचार स्वतंत्र का अभाव। यद्यपि वैदिक काल के प्रारंभ में नवीन विचारों का आदर किया जाता था, परंतु कालांतर में शिक्षा के धर्म पर आश्रित हो जाने के कारण विचार की स्वतंत्रता का अभाव हो गया। धार्मिक ग्रंथों की लिखित बातों को पूर्णता सत्य तथा विचार विमर्श से दूर माना जाने लगा। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों का प्रादुर्भाव हुआ, जो समाज की प्रगति के लिए घातक सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं साथियों, भारत की आधुनिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा में व्याप्त दोषों का निवारण किया जा चुका है। वर्तमान में शिक्षा सभी के लिए है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म तथा जाति के लोगों को भी शिक्षा का समान अधिकार है। शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में किसी प्रकार का भेदभाव करना कानूनन अपराध है। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था करना राज्य तथा केंद्र सरकारों का कार्य है, जो शिक्षा के लिए विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करती है। वर्तमान में रटने पर कम बल दिया जाता है तथा समझने पर अधिक बल दिया जाता है। शारीरिक श्रम का भी ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए व्यायाम तथा खेलकूद की व्यवस्था भी आधुनिक विद्यालयों में की जाती है। विद्यार्थियों को आज अपने विचार रखने तथा नए विचारों को ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे उनका विकास हो सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में वैदिक कालीन शिक्षा में व्याप्त दोषों का निवारण काफी हद तक
किया जा चुका है। तो साथियों आज इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन देखे हैं। कितने? आज हमने इस वीडियो में दो क्वेश्चन देखे हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज साथियों वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि साथियों इसकी हम नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। इससे पहले साथियों हमने इसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी थी। साथियों यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को भी देखें क्योंकि हमने उसमें एक क्वेश्चन कराया था। दूसरी वीडियो में साथियों हमने आज दो क्वेश्चन कराए हैं और साथियों इसका जो हमने मॉडल पेपर भी करा दिया है, जो इसकी सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें साथियों हमने मॉडल पेपर कराया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी तरीके से हम आपको तैयारी कराते चलेंगे। तो चलिए साथियों यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों इसकी नेक्स्ट वीडियो जैसी है आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। तो चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।